सलाम वालेकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। सो गाइस, आज जो है वह है सैटरडे, और आज मैंने बोला था जैसे पिछले व्लॉग में बोला था जो कि आज आप लोग देखोगे, तो सैटरडे को देखोगे जी हाँ, तो ये व्लॉग आएगा संडे को। तो मैंने बहुत अब डेली बुकिंग स्टार्ट है, तो डेली बुकिंग स्टार्ट है जो मदर से, तो चलते हैं भाई मदर से। मदरसे आज ही का डिनर जो जाना है, फिर कल की छुट्टी है, बाकी रमजान भी करीब आ रहे हैं, तो इसी में बात करते हैं व्लॉग को स्टार्ट। सो वेलकम बैक टू दी व्लॉग। और अब जो है हम जा रहे हैं समोसे वगैरह लेने, तो चलते हैं समोसे लेने फटाफट से। और मैं आप लोगों को एक चीज और दिखाना भूल चुका हूँ, तो मैं आपको दिखा दूंगा अभी, वो दिखा रहा हूँ मैं आप लोगों को। ये देखो, ये पानी है, अब आप तो समझ ही गया होगा कि पानी किस लिए लिया है, तो डाल लेते हैं बस फटाफट से। बिस्मिल्लाह, इसकी मिट्टी को ना तार रखना पड़ेगा ताकि हमारा पौधा निकल पाए, ग्रोथ पकड़ लिया हमारे टमाटर के पौधे ने। देखो देख रहे हो कितनी खतरनाक ग्रोथ पकड़ी है, ये अभी और निकल लेंगे। देखो पाँव के चोटे वो अभी तक सही नहीं है, लेकिन अगर ट्यूब वगैरह लगाता रहेगा तो इंशाल्लाह सही हो ही जाएगी एक दो दिन में, तो सही तो होना बनता है ना। और आज जो हफ्ता है तो कल इतवार है, तो कल देखते हैं कि कल किस चीज़ का नाश्ता करेंगे हम, लेट्स सी, तो देखेंगे हम किस चीज़ का नाश्ता करेंगे, आप लोगों को भी दिखाएंगे। तो अगर मेरी तरह आप लोग भी संडे संडे वाले दिन अच्छा नाश्ता करते हैं, तो आप लोग इस वीडियो में कमेंट कर दीजिएगा, कभी हम भी करते हैं अपना अपना नाम कॉमेंट्स में बता दिएगा, मेरे को पता है आप लोग कॉमेंट्स कर देंगे। तो जस्ट अफटाफट से समोसे लेने और चलते हैं समोसे लेने, लेट्स गो। हमारा वो खाली कितने दिन है, एक दो तीन दिन जाना है यार, 3 दिन जाना है मदरसा, उसके बाद छुट्टी, 1 महीने के लिए छुट्टी यार, रमजान मुबारक का महीना आने वाला है 3 दिन बाद, 3 दिन हमारे को मदरसा जाना है, उसके बाद 3 दिन के बाद छुट्टी। और काफ़ी सारे स्पेशल व्लॉग भी आने वाले हैं, तो दिखाऊंगा मैं क्या स्पेशल्स हैं और क्या नहीं है, तो देखेंगे और आप लोग भी इंजॉय करेंगे। उम्मीद करता हूँ कि आप लोग इंजॉय करेंगे और लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब करोगे इसी व्लॉग पे। डेली व्लॉगिंग स्टार्ट कर दिया ना, जी आ चुके हैं समोसे फटाफट से, ये रहे समोसे। और एक शख्स क्या दूं, ये चाहिए, भूख लग रही बहुत भूख लग रही है, तो बताओ भाई। तो भाई भूख लग रही है, हमारे को भी फटाफट से चलते हैं खाते हैं, लेट्स गो। लेट्स गो बोले यार, लेट्स गो दोबारा से। अभी जो है खाना वगैरह जो है हमने खा लिया है, और जस्ट चाय वगैरह भी पी ली है, अब फटाफट से ऊपर और देखते करना है क्या करना है क्या नहीं करना, तो लेट्स गो वापस से, लेट्स गो दोबारा से, लेट्स गो ऊपर की तरफ, गो गो गो। ऊपर आते के साथ ही हमारे को चुड़ियों का बाजरा मिल जाता है, जस्ट ये पानी की प्याली थी, इसके अंदर पानी तो है ही नहीं, सारा बिल्लियों ने फेंका या किसने फेंका मेरे को नहीं पता, सारा तो पेड़ ही झड़ता है, अब ऊपर कर रहे तो क्या करें। ये देखो झड़ गया, पहले मैं बोलता था इसको देख के अच्छा फील होता है, लेकिन नहीं, अब ये पूरा झड़ गया। देखो ये कितने सारे पत्ते झड़े हैं उसके, थोड़ा सा ग्रीन टी बची है बस, बाकी तो ज़्यादा ख़त्म हो गई है, यहाँ बच्चे वगैरह पतंग उड़ा लें। अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सो गाइस, आज जो है वो संडे, तो यार कल मैंने रात में इसलिए ब्लॉग नहीं बनाया था, मेरी थोड़ी तबीयत ख़राब, पेट एक ख़राब हो गया था, कौन सा वाला ख़राब, वाला ख़राब नहीं यार, दूसरा वाला ख़राब हो गया था, उल्टियाँ हो रही थी और पेट में बहुत ज़्यादा दर्द हो रहा था, और भाई बुखार भी हो चुका था थोड़ा। अभी जो है टाइम हो रहा है 6:05, तो बस अब देखते हैं करना क्या है। वैसे तो आज ये है इतवार, और आज हमें उसमें इज्तिमा में भी जाना है, क्योंकि मदरसे में इज्तिमा है, और हमारे को मिलेगा होमवर्क मिलेगा रमजानों का, तो होमवर्क भी मिलेगा, उसको भी लेने आएंगे, बट वहाँ पर व्लॉग बनाने तो सकते नहीं है, क्योंकि मदरसे में काई साहब वगैरह भी होंगे और सरप्राइज का इज्तिमा है, तो जाएंगे और होमवर्क वगैरह लेकर आएंगे, तो हमारे को उससे थोड़ी बहुत नॉलेज भी होगी, तो वो नॉलेज हम आपको भी बताएंगे कि हमारे को क्या नॉलेज मिलेगी और क्या लेंगे। तो अब चलेंगे फिर, जब हमारे को बुलाया गया है तो फिर चलेंगे, फिर होमवर्क भी लेंगे, होमवर्क भी दिखा देंगे कि क्या क्या होमवर्क मिला है।
वैसे तो आपको वही उसमें कहना है, वैसे मैं मॉनिटर है डेली रिपोर्ट भी बनाता, क्योंकि अब हम कहा कि हर बच्चे को खुद ही अपनी डेली रिपोर्ट बनाना पड़ेगी, और गुरू नहीं है यार, बस ऐसे बता रहा हूँ मैं आप लोगों को, मॉनिटर हूँ मैं और डेली रिपोर्ट बनाता हूँ, तो जस्ट मुझे बनाना आती है, तो सारे बच्चों को सिखा देंगे कैसे, तो बना देंगे अपनी अपनी डेली रिपोर्ट, सब अपने अपने घर ले आएंगे और बता देंगे, और हफ्ते हफ्ते एक एक दिन हमारे को मदरसे में जाना पड़ेगा फॉर्म वगैरह चेक कराने के, चंदा वगैरह बांटने का, और तभी यार तो भाई कुछ मत अभी गोली वगैरह खाइए, तो इस वजह तबीयत थोड़ी बहुत सही हुई है, वरना तो सही होगा नाम ही नहीं दे रही थी, मैं तो लेटा हुआ था कम्बल ओढ़ के पास। भाई ये जो क्लासेस है नगर का तो है नहीं, आर्टिफिशियल है, यानी कि मैं बाइक चलाता हूँ ना, पहले मेरी आँख में बहुत ज़्यादा इन्फेक्शन हो गया था, क्योंकि मेरे इतना सा लोहे का पीस है, मैं दस से जाता हूँ ना, तो वहाँ पर बिल्डिंग वाले बहुत ज़्यादा दुकानें होती है, तो वहाँ से हल्का सा लोहे का पीस उड़ के मेरी आँख में चली गई था, काफ़ी ज़्यादा दर्द कर रहा था, काफ़ी ज़्यादा पेन हो रहा था, इस वजह से फिर उनको दिखा दे डॉक्टर को, फिर पता लगा कि ये भाई इतना बड़ा है, तो उन्होंने दिखाया था, तो मैंने बोला यार बाइक बाहर जाता हूँ ना, मेरी आँख बाहर जाता हूँ बाइक चलाता हूँ, तो मेरी आँख से ना आँसू देते हैं, तो मैंने बोला ये लगानी चाहिए, वो पत्थर वगैरह भी जाते हैं, तो फिर दोबारा का तो मसला नहीं हो होगा होगा नहीं, तो बट इसलिए आपने सेफ्टी खुद करें, डेली वॉकिंग स्टार्ट कर दी है, तो फिर आप लोग सब्सक्राइब भी कर दो, सपोर्ट भी करो भाई, ब्लॉग पे इतने व्यूज नहीं आ रहे, पिछले वाले ब्लॉग में लाया था, पता है मेरे को क्यों नहीं आ रहा, क्योंकि मैं इतने दिनों से ब्लॉग ही नहीं बनाता, तो लोगों को पता भाई ये तो नहीं बनाया, तो इसके चैनल ही छोड़ दो, चैनल ही छोड़ दिए तो भाई क्या करोगे, तो दोबारा आ जाओ भाई, दोबारा आइए, तुम्हारा भाई ब्लॉग बनाएगा, अच्छे अच्छे स्पेशल ब्लॉग्स आने वाले हैं रमजानों में, फिर आएगा मज़ा, तो स्पेशल ब्लॉग्स में आप लोगों को भी और मेरे को भी बनाने में मज़ा, और आप लोगों को देखने में मज़ा आएगा भाई। एक बात और मैं आपको बता देता हूँ कि भाई कोई नाथ खां होता है ना, उसका जो पेट्रोल होता है पता है क्या होता है, सुभान अल्लाह की सदाएं, जो सुभान अल्लाह को बोलेंगे ना तो उनको वो मिलेगा क्या, उनको जुनून सा उठेगा कि भाई हाँ इन लोगों को पसंद आ रहा है, तो और जज्बा आएगा उसको, तो ये करूँगा ये अच्छी तरीके से, और उनको मतलब वो मिल जाएगा ना जुनून जज्बा मिलेगा, वैसे हम ब्लॉगर्स का भी है कि ब्लॉग पे आप लोग व्यूज़ आएंगे कमेंट्स आएंगे तो हमारे को भी जज्बा मिलेगा अच्छे अच्छे ब्लॉग्स बनाने का, और सब लाइक भी आएंगे तो तब भी हमारे को ब्लॉग्स बनाने का जज्बा मिलेगा, तो बट आप लोग सब्सक्राइब नहीं करते तो कर दो प्लीज़ करो फटाफट से यार, करो क्या करोगे आप लोग, जल्दी से करो और सब्सक्राइब कर देना ठीक है, इस बेल आइकन को भी दबा देना जल्दी से, दबा दिया, उम्मीद करता हूँ कि आप लोगों ने दवाई दिया हो, फटाफट से अभी चलते हैं यार ऊपर वगैरह देखते हैं क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, वैसे तो फिर फालतू है यार ऊपर जाने, ऊपर की सैनिमेटिक्स वगैरह भी ले ली तो पतंग वतंग तो उड़ाते नहीं है, फिर देख लेंगे क्या करना है क्या नहीं करना, रमजानों में देखेंगे कि पतंग उड़ा ली नहीं उड़ा ली, तो वैसे तो उड़ाना आती नहीं है, बच्चे अच्छे होते हैं उनसे ले ला के खेल ही लेंगे, थोड़ा खेल लेंगे उड़ा लेंगे बस, चश्मा वगैरह उतार देते हैं क्योंकि घर में आ चुके हैं, उतार देते हैं, ज़्यादातर चश्मा पहनना भी अच्छा नहीं है, सांस असर पड़ता है, तो अपनी सेफ्टी खुद करें और दूसरों को करने का मौका ना दें, जस्ट सेफ्टी इज फर्स्ट। मैं ब्लॉग बना रहा हूँ तो आप लोग बालों पे तो जाना ही नहीं, बालों तो देखना ही नहीं आपने, मैंने खाली फेस देखना है और मैं जो बोल रहा हूँ उस पर कॉपरेट करना है, रेडी हो चुका हूँ मैं इज्तिमा में जाने के लिए, और अभी जो है मेरे पीछे कपड़ा तो नहीं है बट यहाँ पर कपड़े कितने सारे फैले हुए देख लो, अब मैं फटाफट से चलते हैं इज्तिमा में, वहाँ पे ब्लॉग तो बनाना है सकते नहीं है, तो फटाफट से चलते हैं इज्तिमा में।